है, अभिनंदन है सबका। एक बार पुनः मैं सबका स्वागत करता हूँ इस प्रातः कालीन योगा एट द रेट ऑफ 7, जो हमने अपने बच्चों के सहयोग से, उनके बच्चों के माता पिता के सहयोग से इस योगा एट द रेट ऑफ 7 का आगाज किया है, शुरुआत किया है। तो इस योग की सभा में मैं अपने बच्चों का स्वागत करता हूँ। ये बच्चे कल के भारत के भविष्य हैं और ये भविष्य निर्माण की दिशा में एक छोटा सा योगदान है, एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से। इस COVID-19 में जहाँ पर हमारे बच्चे घरों में कैद हैं, उनके अंदर एंजाइटी, उनके अंदर बेचैनी, उनके अंदर जो तरह तरह की उनकी भावनाओं में उभार समय समय पर दिखाई दे रहा है, उन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, उन भावनाओं को सही दिशा देने के लिए एक हम अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में बच्चों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनी मीठी मीठी नींदों से बच्चे निकलकर, हाँ, अपने घरों में बैठे हुए, और ये उन तमाम बच्चों से ये बच्चे अलग हैं जो अभी भी नींद के आगोश में। तो मैं इन बच्चों का अपनी तरफ से बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, और इनके माता पिता को भी उतना ही बड़ा धन्यवाद कि इन बच्चों के माइंड को मेकअप करने में उनका जितना योगदान है, उस योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है, कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिना पेरेंट्स के मोटिवेशन के ये बच्चे इतने फ्रीडम के साथ यहाँ उपस्थित नहीं होते। तो मैं उन इस मॉर्निंग सभा में योगा एट द रेट ऑफ 7 में उन पेरेंट्स का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 7:06 हो चुके हैं और मैं कुछ नए बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कौन, क्या नाम बेटा? सामंत, सामंती, क्या नाम है? अपना कैमरा ऑन करना बेटा। सर वो सन्मति है। सन्मति, ओके, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका स्वागत है बेटा कि आपने ज्वाइन किया। आज आपका संभवतः पहला दिन होगा और हम अभी प्री टेस्टिंग चल रही है हमारी इन बच्चों की। वेलकम भास्कराचार्य। तो इन बच्चों की प्री टेस्टिंग चल रही है कि इसमें हर बच्चे को, जो भी हमने अभी 10 दिन जो भी हमने बच्चों को सिखाया है, तो ये बच्चे उसको अपना, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग देयर स्किल्स, ओके, एंड अगेन आई विल री स्टार्ट। अभी 1 सप्ताह तक ये चलेगा जिसमें द चिल्ड्रेन, वॉट एवर दे हैव लर्न, दे आर गोइंग टू डिस्प्ले इट। और फाइनल राउंड जब हम करेंगे टेस्टिंग का, जिसमें हम बच्चों के मार्क्स अलॉट किए हैं, कुछ एक्टिविटीज हमने प्लान की हुई हैं, उन एक्टिविटीज को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, उसमें कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज को हम और इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे हर बच्चा घर में बैठा हुआ है, कुछ पेंटिंग कर रहा है, कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा है, अपनी माता जी से, मदर से सीख रहा है, अपने पापा से कुछ सीख रहे होंगे बच्चे, दादी होंगी तो, दादी और नानी होंगी तो उनसे कुछ सीख रहे होंगे, बुआ होंगी, मौसी होंगी, जो भी है रिलेटिव्स बड़े हैं उनसे ही बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो उनके लिए हमने सोचा है कि 5 मिनट का आप अपना जो भी सीख रहे हो उसको अपना वीडियो थोड़ा सा बना के, या जैसे भी हो उसको आप डिस्प्ले करो, ठीक है, कि हमने ऐसे ऐसे बनाया ऐसे, ठीक है। अगर वीडियो बना दोगे तो उससे क्या हो कि हम सबको फायदा होगा, हाँ, और हमारा उद्देश्य क्या है कि जानकारी को लेना। आनुभद्रा कर्तव्य यन्तु विश्वतः, ऋग्वेद का ये आदर्श वाक्य जिसको मैं अपने सीने से लगा कर रखता हूँ, तो हमको हर तरफ से कुछ न कुछ अच्छी बातें हमको सीखने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है कि हम अच्छाइयों को ग्रहण करें। तो आप जो भी, आप लोग जहाँ भी, जहाँ से भी आप लोग कुछ सीख रहे हो उसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। इससे मुझे भी लर्निंग होगी, मेरी भी लर्निंग होगी, और ये मुझे जो लर्निंग होगी तो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करूंगा। जो भी हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से, मदर फादर, जिससे भी मामा चाचा नाना जो भी हैं रिलेटिव्स हमारे जो होते हैं, उनसे
और अपने गुरुजनों से, सबसे बड़ी बात गुरुजनों से, हमने जो कुछ भी सीखा मैं उन चीजों को आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग सीखेंगे तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। तो आपका ये सारी चीजें आपको एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए की जा रही हैं। तो एक बार पुनः मैं इन सब बातों से के बाद में आज का जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम जाह्नवी अरोड़ा के नाम से है। तो जाह्नवी जी, सबसे पहले मैं अपने कुछ आदर्श वाक्यों को बोल दूं। श्रद्धा, सब लोग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बोलिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है। ये वाक्य आदर्श वाक्य होना चाहिए आपके जीवन का। हमको अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, और जो बच्चे श्रद्धावान हैं, जो बच्चे हम्बल हैं, उनके जीवन में डायनेमिक परिवर्तन होता है, उनके जीवन में चौतरफा सबका ब्लेसिंग मिलता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। तो ये जो चीज है इसको हमको अपने जीवन में रखना है, और सब लोग जो भी हैं आपके घर में जो भी लोग हैं सबको मोटिवेट कीजिए। निश्चित रूप से सब लोग मोटिवेट होते हैं, तभी तो हमारे बच्चे ये क्लास में आए हुए हैं। तो आप जितने भी लोग हैं सब लोग योगा कीजिए। आज पूरा विश्व योग कर रहा है, और 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। ये हमारे सौभाग्य कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योग को, जो कि भारत में था, और उसको यूएन के माध्यम से और पूरे विश्व में इसको प्रचारित किया, प्रसारित किया, और आज इंटरनेशनल योग दिवस हाँ के रूप में ये हमारे बीच है, और इसको एक राष्ट्रीय राजकीय इसको मान्यता मिल चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। चलिए, तो अब हम स्वागत करते हैं एक बार अपनी जाह्नवी अरोड़ा का, और सब लोगों से अनुरोध है कि इस बार जोरदार तालियों के साथ जाह्नवी के प्रदर्शन के, आज का जो कार्यक्रम होगा जाह्नवी के निर्देशन में होगा। तो जाह्नवी अरोड़ा, एक बार पुनः मैं बड़े ही खुशी मन से और अपने बच्चों की तरफ से, अपने सारे बच्चों के माता पिता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं कि आप आए और प्री टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए। जाह्नवी अरोड़ा। थैंक यू सर। आवाज में कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरा आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले हम श्लोक गाएंगे जो कि एक पतंजलि प्रार्थना है, और मैं पहले आप मेरे साथ दोहराओ। योगेन चित्तस्य, योगेन चित्तस्य, पदेन वाचा, पदेन वाचा, मलं शरीरस्य, मलं शरीरस्य, च वैदकेन, च वैदकेन, योपाकरोतम्, योपाकरोतम्, प्रवरं मुनीनां, प्रवरं मुनीनां, पतंजलि राम जलि राम तोस्मि, पतंजलि प्राञ्जलि राम तोस्मि, पतंजलि राम जलि राम तोस्मि, पतंजलि प्राञ्जलि राम तोस्मि। सबसे पहले हम हैंड एक्सरसाइज करेंगे। उसको करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक करना है, और हाथों की मुट्ठी बनानी है और फिर खोलनी है। ये हम 10 बार करेंगे। प्रशांत अभी इसको करने के बाद हम अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से इस तरीके से अपने पास खींचेंगे। दूसरे हाथ को भी इसी तरह खींचेंगे।
इसको करने के बाद हम अपने रिस्ट को ऊपर नीचे करेंगे। अब हम अपने रिस्ट को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब हम करेंगे नेक की एक्सरसाइज। सबसे पहले हम नेक में के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब हम आगे और पीछे, अब बहुत सुंदर। लेफ्ट एंड राइट। बहुत अच्छे बेटा। अब हम करेंगे आईज एक्सरसाइज। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी आंखों के लिए एक टारगेट बना लेना है। आप अपने फिंगर से भी एक टारगेट बना सकते हैं और उसको देखकर हमें तेजी से ब्लिंक करना है। इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। वेरी गुड। त्राटक क्रिया। अब इसके बाद हम अपनी आंखों को जितना, अपनी गर्दन बिना हिलाए अपनी गर्दन को ऊपर देखेंगे फिर नीचे देखेंगे। बहुत सुंदर। शाबाश बेटा। बैक बोन स्ट्रेट कर लेंगे सब लोग। बहुत अच्छे बच्चे। अब लेफ्ट एंड राइट, शाबाश। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने आईज को घुमाएंगे। शाबाश बेटा शाबाश। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब हम करेंगे साइकिल एक्सरसाइज। साइकिल एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से लेट जाएंगे और ओके साइकिल एक्सरसाइज। चलो साइकिल चलाया जाए ना सब लोग। जानवी अरोड़ा के घर चलेंगे। मम्मी से बोल देना गोलगप्पा बना के रखे। चलो साइकिल एक्सरसाइज। साइकिल एक्सरसाइज के लिए हमें सबसे पहले हम अपने पैरों को जिस तरह हम साइकिल में पैदल घुमाते हैं उसी तरह हमें पहले धीरे धीरे पैदल घुमाना सुपर। है। जाह्नवी की साइकिल से हमारी साइकिल तेज चल रही है। अब उसके बाद हम उसे तेज कर देंगे। अब और तेज, बहुत अच्छे बच्चे। मिटकी मनुष्य। अब उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए हमें सबसे पहले खड़े हो जाना है और अपने थैंक्स गिवन पोजीशन में आकर हम उस नमः या नमः कह सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अपने हाथों को पीछे लेकर जाइए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे अपने पैरों पर उसको अपने हाथों से स्ट्रेच कीजिए और फिर उसके बाद जमीन पे रख कर एक पैर पीछे और लगे
फिर उसके बाद हम करेंगे भुजंगासन, सबसे पहले ऐसे करके। पर्वतासन, फिर अपना दाहिना पैर पीछे करके और दाहिना पैर आगे रख कर पीछे देखें। फिर उसके बाद पीछे हम इसे दो बार करेंगे। हम दो करेंगे ओम सूर्या नमः, हाथों को पीछे लेते जाएंगे। ऑप्शन के बाद अपना दाहिना पैर आगे रख करके फिर सूर्य नमस्कार करने के बाद हम शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन करने के लिए हमें सारा वेट जो है अपना, हमको उल्टा खड़े होना है और अपना सारा जो वेट है वो अपने इस तरीके से हाथों में रहेगा और सर पे नहीं होना चाहिए। आप इसको दीवार के सहारे भी कर सकते हैं और जिनका कम वेट होता है वो लोग वैसे भी कर सकते हैं। अपने धीरे धीरे नीचे वो करने के बाद थोड़ी देर खड़े हो जाए ताकि जो ब्लड है वो पैरों में भी चला जाए। इसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन, जिसमें शीर्षासन के भी फायदे होते हैं। जिनको शीर्षासन नहीं होता है वह सर्वांगासन भी कर सकते हैं। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले लेट जाए दोबारा थोड़ा सा पीछे छोड़ दीजिए और पीछे इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए हमें सबसे पहले खड़ा होना है। हमें सांस लेते हुए इस तरीके से
ऊपर करना है और फिर अपने टोस पर खड़े होना है। करेंगे वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन करने के बाद के पहले हम सबसे पहले इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और फिर हाथों को इस तरीके से पकड़ेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे और हमें देखना है कि आंखें बंद करने से हमारा बैलेंस अच्छा रहेगा। ध्रुवासन इसे हम जितनी देर तक कर सकते हो उतनी देर तक करें। अब दूसरे पैर से नमस्कार करने वृक्षासन करने के बाद हम करेंगे नौकासन। नौकासन करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से करना है और अपने पैर ऊपर रख लेंगे। हमें ऐसी पोजीशन बनानी है कि सारा वेट हमारी नाभि पे आ जाए। हम 10 सेकंड तक करेंगे। नौकासन करने के बाद हम करेंगे धनुआसन। धनुआसन करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से रहना है और अपने यहाँ एरिया को पकड़ लेना है। ये उष्ट्रासन है। चलो उष्ट्रासन थोड़ा सा इसको उष्ट्रासन। अब उसके बाद हम इसका अपोजिट आसन करेंगे। अपोजिट करने के लिए सबसे पहले लेते हैं और अपने हाथों को चक्रासन और
इसके बाद इसके कारण हमारे पीठ में जो दर्द हुआ होगा उसके लिए हम करेंगे रोलिंग ऑन द बैक। देखो मैं किस कपाल भारती सबसे प्राणायाम करने के लिए हम पद्मासन की स्थिति में जाएंगे। कपाल भारती में हमें अपने लंग्स में सांस भरनी है और नर्वसनेस छोड़नी है। जो कि थायराइड के प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है, उसको करने के लिए हमें पहले अपने अंदर से सारी सांस बाहर निकालनी है और फिर गले को सिकोड़ कर उसमें से आवाज आएगी। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। उसके बाद इस प्राणायाम के बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हम सबसे पहले अपने लंग्स में सांस भरेंगे और उसे तेजी से छोड़ेंगे। इसको करने के लिए आप अपने पास एक हांकी भी रख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम।
घामरी प्राणायाम करने के लिए हमें अपने थम से अपने कानों को बंद करना है, अपने थ्री फिंगर्स अपने आईज को क्लोज करना है, और अपनी जो आपकी ये वाली फिंगर है इसको आईब्रोज के ऊपर थोड़ा सा पास में रखना है, और फिर उसके बाद अपना मुंह बंद करके ओम को उच्चारण करना है। इसको करने के वजह से हमारे दिमाग में जो हमारे ब्रेन में जो वाइब्रेशन हुए इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी। इसके बाद हम करेंगे ओमकार। ओमकार करने के लिए हम अपनी ध्यान की मुद्रा करेंगे और फिर उसके बाद हम सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। बंद रखें, मेडिटेशन करें, सारा फोकस आपके फोरहेड पर रहेगा। इसके बाद हम अपने हाथों को रब करेंगे।
जो हीट आएगी उससे आप अपने पूरे शरीर को छूने का प्रयास करें। खोलें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत सुंदर। और मुझे बड़ा ही गर्व का अनुभव हो रहा है बेटा कि हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज जाह्नवी अरोड़ा ने बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से, बड़ी ही सहजता के साथ, विद अ वेरी कूल माइंड, सी इज एबल टू प्रेजेंट हर योगा डिस्प्ले। ओके, एंड आई अप्रिशिएट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल दोज पेरेंट्स हु आर वाचिंग कीनली टू माय यंग स्टूडेंट जाह्नवी अरोड़ा, एंड दे आर सी इज गेटिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीबडी, पेरेंट्स, टीचर्स, एंड सर्टनली दिस वीडियो आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड इट, एंड दोज हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन सो फार, आई विश दैट दे शुड ऑल्सो ज्वाइन एंड दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेशन फ्रॉम दिस वीडियो डिस्प्ले ऑफ माई डियर स्टूडेंट जाह्नवी अरोड़ा। तो आप सब लोग एक बार पुनः जोरदार अपने माइक को आप लोग ऑन कर लीजिए और जोरदार तालियों के साथ जाह्नवी अरोड़ा का स्वागत करिए, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बाकी जो बच्चे हैं और वो भी इसी तरह से मोटिवेट हों, और वे बहुत अपने आप जो भी काम करते हो बेटा, अगर आप उसकी प्लानिंग पहले कर लो ना, तो आपका काम सफल होता है, ठीक है। और हर बार हम जो कुछ भी करते हैं, नोबडी इज परफेक्ट, ये भी ध्यान रखना है कि हम कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हर व्यक्ति में और हर समय कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, देर इज ऑलवेज देर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ये भी हमको ध्यान में रखना होता है कि हमेशा कुछ न कुछ हमको इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही बहुत ज्यादा जानता हूं, अगर इस तरह की भावनाएं आ जाती है ना तो फिर ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को रिफॉर्म करते रहना चाहिए। तो आप पहली बात तो आप लोगों ने जो कल प्लानिंग किया, उस प्लानिंग का असर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि प्लानिंग का असर कितना फायदेमंद होता है। तो आप लोग जब भी आप लोग जिंदगी में जितने लोग भी सफलता प्राप्त किए हैं, ऑल दोज हैव वेल प्लानर्स, ठीक है। आपके अंदर हमारे अंदर बहुत टैलेंट होगा, ठीक है, लेकिन उस टैलेंट को अगर आपने सही तरीके से प्लान नहीं किया, कौन सी एक्टिविटीज किसके बाद क्या करनी है, कैसे करनी है। हाँ, जैसे सवेरे उठते हैं, अगर आपने रात में अपने कल आने वाले सुबह के लिए, सवेरे के लिए, अगर रात में आपने प्लानिंग कर ली है कि हमको कल सवेरे उठना है, क्या क्या करना है, ठीक है, अगर आपने आज रात को सोने से पहले आपने प्लान कर लिया कल के लिए, तो कल जब आप उठोगे तो आप ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो होता है ना, कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि सोचते हैं कि पापा ने उठा दिया पढ़ने के लिए, मम्मी ने उठा दिया पढ़ने के लिए, क्या पढ़े, कभी कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ना, है ना, क्या पढ़े समझ में नहीं आता है, क्या लिखे, ऐसा होता है। हाँ, होता है। हाँ, तो ये इसलिए होता है कि वी हैव नॉट प्लान वन डे इन एडवांस, ठीक है। अगर एक दिन एडवांस की हम प्लानिंग कर लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कल हम क्या करें, जैसे आज रात मान लो हुए, कल आप आज इस एक्टिविटी को आज रात करने का प्रयास करना, ठीक है, कि आज सोते समय पूरी प्लानिंग कर लें, लिख लेना कि हम कल उठेंगे तो 2 घंटे मैथ्स पढ़ेंगे, 1 घंटे कंप्यूटर पढ़ेंगे, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देकर थोड़ा टीवी देख लेंगे, जो भी है आपकी एक्टिविटीज, ठीक है, दीदी से बात करेंगे, दीदी से थोड़ा फाइट करेंगे, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ है सर, ना, बच्चे आपन थोड़ा बहुत करते हैं, हमारा तो कंप्यूटर होता ही नहीं है। कंप्यूटर नहीं होता है। नो सर, अभी तक तो उसकी एक भी क्लास नहीं हुई है। सर, अच्छा, एक भी क्लास नहीं है। कंप्यूटर है लेकिन सर क्लास ज्वाइन नहीं होता उसकी। अच्छा ठीक है, तो मैं कंप्यूटर पर कुछ वीडियो बनाऊंगा, चलो इसी बहाने में भी सीख लूंगा,
अपने बेटे के लिए वीडियो बनाऊंगा, आप लोग वीडियो पे भी देख लेना, ठीक है? तो चलो मैं इस सब छोटे छोटे क्लास के छोटे छोटे वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है? बड़ी क्लास में नहीं बना पाऊंगा। हाँ बोलो। तो आप लोग आज ये काम करना कि आज रात में सोने से पहले बेड पर जब जाओगे 10 बजे के आसपास, जो भी 9:45 मिनट 9:30 बजे जितने बजे आप जाते हो उस हिसाब से प्लान कर लेना। कितने बजे जाते हो आप लोग बेड पर सोने? नौ बजे अच्छा 9 बजे जाते हो। कितने बजे डिनर करते हो आप लोग? खाना कितने बजे खाते हो? सर 8 से 9 o'clock। 9 o'clock अदिति खाती है। जानवी तुम कितने बजे खाती हो बेटा? सर मैं 9:30 खाती हूँ। 9:30 खाती हो, अच्छा। तुम मनीषा बेटा, गणेशा जी? 8 o'clock। अच्छा कितने बजे? 8 o'clock। अच्छा ये के कौन है? के फॉर अच्छा कार्तिक नेगी। हाँ कार्तिक बेटा आप कितने बजे डिनर करते हो? सर मैं 9:15 पर। 9:15 अच्छा। श्रीयांशु जी? यस सर। कितने बजे आप डिनर करते हैं? सर मैं 9 o'clock डिनर करता हूँ और सर 9:30 पर मैं सो जाता हूँ। ओके ओके। यस कौन है? यस देखो तो यस कौन है? सॉरी राणा जी। हाँ सॉरी बेटा अपना जरा चेहरा दिखाना बेटा। सॉरी राणा तो मैं देख चुका हूँ चेहरा, क्या मुझे बच्चों को पहचानना भी तो है। सॉरी राणा। हाँ अच्छा वेरी गुड। चलो स्मार्ट बॉय है ना, स्मार्ट बॉय तो गोलू बॉय है तो। हाँ वेरी गुड स्मार्ट बॉय। चलो आपने ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा, ठीक है? इसके बाद सॉरी बताओ आप कितने बजे डिनर करते हो बेटा? सर 9 o'clock। 9 o'clock ओके वेरी गुड ओके। इसके बाद कौन है हमारा दिखाओ? उन्नति बेटा आप कितने बजे करती हो? सर 9 o'clock। 9 o'clock अभी करती हो। कार्तिक? आप सब बेटा आप कितने बजे करती हो डिनर? 8 o'clock। 8 o'clock वाह। अभिक्षित कुमार? सर 9:30। 9:30 करते हो, अच्छा ठीक है। देखो पहले के जो लोग थे ना, एक चीज में बताऊं कि पहले के जो लोग थे वो जल्दी खाना खाते थे, जानते हो? एक तो कारण ये रहा कि सूर्योदय तक खाना खा लेते हैं और सर तक सो जाते हैं। जितनी जल्दी आप लोग खाना खाओगे, पहले के लोगों की जो परंपरा बड़ी अच्छी थी कि जल्दी खाना खाते थे, और जल्दी खाना खाते थे क्या होता कि भोजन को टाइम मिलता था पूरा डाइजेस्ट होने का, है ना? और सुबह नेचर्स कॉल में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सही समय से नेचर्स कॉल हो जाता था। और दूसरी बात क्या होता, अर्ली उठ जाते थे, सुबह उठ जाते थे। अब सुबह उठने से क्या होता था कि हमारे यहाँ जो है ना, कहा था ना बोस को एक बहुत बढ़िया टाइमिंग कहा था, अगर योग की भाषा में ब्रह्म मुहूर्त कहा था, मतलब उस समय पहली बात तो आप जब भी सो के उठोगे तो आपका दिमाग क्या होगा, फ्रेश होगा, ठीक है? आपका पाचन जो है डाइजेशन सही है, और 90% से ज्यादा बीमारियां जो है ना पेट की वजह से होती है। अगर पेट अगर आपका यहाँ पर मान लो कि बहुत बढ़िया मम्मी ने खाना बना दिया और उसको खूब खींच के खा लिया, है ना, खट्टे निकाल आ रहे हैं ना, मतलब अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से ये सब टॉक्सिक एलिमेंट्स बन जाते हैं, ये सब शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एसिडिटी गैस्ट्रिक ये तमाम तरह की समस्याएं, और वो समस्याएं धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जाएंगी, वो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे, पेट के अंदर की जो समस्याएं हैं वो अल्सर ये सब तो क्रिएट करेंगी। इसके अलावा आपका पढ़ने मन नहीं लगेगा, अगर आपने सवेरे ठीक से आपका नेचर्स कॉल नहीं हुआ तो आप हमेशा दिन में चिड़चिड़े बने रहोगे, आलस्य आएगा, कहीं लेट जाओगे, नींद आएगी, तमाम तरह की समस्याएं पैदा, ठीक है? इसलिए कोशिश ये करना है कि जल्दी से जल्दी हम रात का खाना पहले कर लें, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे कि खाना खा ले फिर रात में 2 बजे उनको भूख लग जाए, ना ऐसा भी हो सकता है ना? चलो एक दो दिन होगा, ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन होगा, लेकिन आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो कोशिश करो कि हम 8 बजे तक सब लोग खाना खाएं, ये थोड़ा सा अर्ली हो जाता है आपके, चूंकि हम लोग की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो गई है, हमको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना, ठीक है ना? और योग का फायदा तभी होगा ज
जब हम इसलिए कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम, तो नियम हमको फॉलो, ठीक है, समझ लो। तो इससे क्या होगा कि आपका पेट सही होगा, पेट सही होगा तो धीरे धीरे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है आपके लिए, हाँ, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे धीरे धीरे ना, तो हम लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। और बचपन से ही सब कुछ होगा, ऐसे सोच लो कि आप हमारी उम्र में बहुत कुछ चेंज कर लो तो नहीं चेंज होगा, है ना, बहुत कम चेंज होता है। लेकिन अगर हम बचपन से करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमको जो जिन आदतों को हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे वो आदतें परमानेंट हो जाती हैं और फिर वही हमको अच्छा लगने लगता है, ठीक है, समझ लो। चाहे वो अच्छी आदतें हो चाहे बुरी आदतें, पेरेंट्स कभी बुरी आदतें नहीं सिखाते हैं, लेकिन हमारे दोस्तों से या टीवी से जो कुछ भी है हम लोग उसको ले लेते हैं। तो जो कुछ भी हम करेंगे ना, वो एक उम्र तक अगर हमारे साथ चलता जाएगा ना, तो फिर उसमें हमको अच्छा लगने लगता है, चाहे वो अच्छी आदतें हो चाहे बुरी आदतें, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग जिनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि ये बदमाश है, नेक्स्ट लाइट है, या टेररिस्ट है, या जो भी है, हाँ, या संत महात्मा है, तो सब लोग तो इंसान ही थे ना, सबको दो आंख दो कान, यही सब सबको तो कॉमन ही है ना। लेकिन किसी के ऊपर लेबल लग गया खतरनाक होने का, बदमाश होने का, किसी के ऊपर लेबल लग गया अच्छा होने का, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, स्वामी विवेकानंद बन जाता है, और कोई और बदमाश का नाम ले लो, उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो बन जाता है। आर यू माइंड? तो ये केवल ये है कि बचपन के हमारे संस्कार, ठीक है। तो आज हम पढ़ाई संबंधित एक बात करते हैं कि आज आप लोग क्या करना कि सोने जाने से पहले कल की प्लानिंग लिख लेना, ठीक है, और तब देखना उसके होने वाले प्रभाव की हम कल चर्चा करेंगे कि कल कौन कौन से अच्छे अच्छे प्रभाव हुए, ठीक है। अब कल की दिन की भी है, आप अपने प्रोग्राम को ठीक से प्लान कर लेना और उसको ठीक से प्रेजेंट करने का प्रयास करना। चलो, इन्हीं बातों के साथ हम आज की सभा का समापन करते हैं। अगर कोई किसी को कोई बात करनी है तो जल्दी कर। सर, हमारा खाना तो मतलब पापा की ड्यूटी के हिसाब से हो जाता है, सर, कभी कभार तो 7 o'clock ही हो जाता है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन उसको जो भी जिस समय भी खाते हो ना, तो उसको थोड़ा सा प्लान कर लोगे कि एक फिक्स करो, ताकि पेट भी इंतजार करता है ना। रिपेंट, अभी मान लो कि स्कूल जो है कभी 7 बजे लगे, कभी 8 बजे बुला दिया जाए, तो आप कितना अनकंफर्टेबल फील करोगे ना। आज का स्कूल, सोमवार का स्कूल, जाह्नवी का स्कूल, KV2 दिल्ली कैंट ओपन होगा 7 बजे से क्लास लगेगी, फिर दूसरी बात दूसरे ट्यूजडे को 8 बजे से फिटनेस जो को 12 बजे से, कैसा लगेगा? सर, पूरा रूटीन खराब हो जाएगा। बस वही बात है, तो हमारा पेट भी इंतजार करता था कि आज अब मुझे आएगा भोजन, अब मुझे आएगा भोजन, अब मुझे आएगा भोजन। अब भोजन नहीं आता है तो क्या होगा, बेचारा हमारा जो सेल्स है ना, रोने लगेंगी, है ना, अंदर से उनकी आवाज हम सुन नहीं पाते, लेकिन उनकी उनकी भी एक अपनी आवाज होती है, ठीक है, समझ रहे बेटा, इसलिए उनको भी उनका भी ध्यान रखना होता है ना। चलो ठीक है, और कोई बात पूछना है? हाँ बोलिए बेटा। सर, जो थर्सडे को मैं स्पीच बोलूंगी सर, वो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ आपके पर्सनल नंबर पर? अभी थर्सडे का स्पीच मैंने फाइनलाइज तो नहीं किया है, स्पीच का कार्यक्रम तो अभी नहीं चल रहा है ना बेटा। सर, आपने तो बोला था। अच्छा, बोला था, चलो ठीक है, ठीक है, जो बोल दिया था तो बोल दिया, वचन दे दिया तो वचन दे दिया, चलो ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, चलो। और कोई सवाल? नो सर। और बोलिए बेटा।